दोस्तों मोबाइल फ़ोन हमारे लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। और आज के इस समय में दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप बिना मोबाइल फ़ोन के कुछ दिनों तक रह सकते हैं? ये चीज़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कल्पना करने में भी बहुत ही ज़्यादा असंभव लगती है। अब आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ में ही दोस्तों हम लोग मोबाइल फ़ोन 3 प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, और आप किस प्रकार का फ़ोन यूज़ करते हैं ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों जब पहली बार पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन यूज़ में आए थे तो ऐसे फ़ोन दोस्तों जिनमें सिर्फ मोबाइल, जिनसे आप किसी को कॉल कर सकते थे और कॉल रिसीव कर सकते थे, और उसके साथ दोस्तों आप किसी को मैसेज कर सकते थे और मैसेज रिसीव कर सकते थे, इस प्रकार के फ़ोन को दोस्तों सेल फ़ोन बोला जाता था। और दोस्तों दुनिया में पहली बार 1973 में मोटरोला कंपनी की तरफ से पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन को लाया गया था। अब दोस्तों ये जो फ़ोन था उसका वज़न लगभग 2 किलोग्राम के बराबर होता था। और दोस्तों बाद में चलकर 1983 या 84 के करीब मोटरोला ने डायनाटेक 8000X नाम से कमर्शियली पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन बाज़ार में उतारे, और इसकी कीमत दोस्तों उस समय लगभग $4000 के करीब थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी। अब दोस्तों बाद में मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए और भी कंपनियां मार्केट में आई, और मोबाइल फ़ोन जो था उसकी तकनीकी में और भी ज़्यादा जब सुधार हुआ तो ऐसे फ़ोन बाज़ार में आने लगे जिनसे कि आप मोबाइल फ़ोन से कॉल करने और मैसेज करने के अलावा उसमें MP3 गाने और MP4 वीडियोस भी देख सकते थे। और साथ में दोस्तों ऐसे फ़ोन में आपको गेम की भी सुविधा दी गई। अगर आपको याद होगा तो पहले नोकिया का एक फ़ोन आता था जिसमें स्नेक वाला गेम बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था। तो ऐसे जो फ़ोन आए दोस्तों उन्हें फीचर फ़ोन बोला जाता था। अब दोस्तों बाद में मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी में और भी ज़्यादा इजाफा हुआ और ऐसे फ़ोन मार्केट में आने लगे जिसमें आपको इंटरनेट, ब्लूटूथ, स्टोरेज और अलग अलग ऐप्स को इंस्टॉल करने की भी इजाज़त मिलने लगी। अब दोस्तों ऐसे फ़ोन को हम लोग स्मार्टफोन बोलते थे, और अब ऐसे फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ में लाए जाते हैं हम लोग के द्वारा। और एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में 2009 में HTC कंपनी की तरफ से एक पहला स्मार्टफोन लाया गया था, और जिसकी कीमत दोस्तों उस समय 30,000 रुपये के करीब थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि जो मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री है, और मोबाइल फ़ोन 3 प्रकार के होते हैं, एक सेल फ़ोन, फीचर फ़ोन और स्मार्टफोन। और ज़्यादा करके इस समय दोस्तों, क्योंकि अब जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री देखी मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, लेकिन अगर प्रेजेंट समय की बात करें तो मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा सुविधाओं से लैस हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ते आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आ रहे हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट की माने तो दोस्तों इस समय भारत में 30 से 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं। और इसी गैप को मेंटेन करने के लिए दोस्तों जियो फोन नेक्स्ट से एक नया स्मार्टफोन ला रहा है मार्केट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा और ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया यार तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।